लोकल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुख करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहां निकाय चुनाव कराने के लिए बांदा और कन्नौज को भेजी गई फोर्स। बता दें कि प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन से बांदा और कन्नौज में निकाय चुनाव कराने के लिए सोमवार को फोर्स रवाना की गई। इसके पहले एएसपी पूर्वी ने चुनाव कराने जाने वाले पुलिसकर्मियों को निष्पक्षता और मुस्तैदी से ड्यूटी करने का निर्देश दिया। बता दें कि पुलिस लाइन में एएसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्र ने कहा कि दूसरे जिलों में जाने वाले लोग समय से पहुंचकर बिना किसी प्रभाव में आए अपनी ड्यूटी करेंगे। पुलिस लाइन से बसों से कुल 75 हेड कांस्टेबल, 25 सब इंस्पेक्टर और 549 होमगार्ड कन्नौज के लिए रवाना किए गए। बता दें कि प्रतापगढ़ से जो फोर्स गई है उसमें बांदा के लिए 25 सब इंस्पेक्टर और 70 हेड कांस्टेबल हैं, जबकि कन्नौज के लिए जो फोर्स गई है उसमें 275 होमगार्ड हैं और 274 ऐसे होमगार्ड हैं जो बांदा के लिए रवाना किए गए हैं। बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का निकाय चुनाव 11 मई को होना है, जिसे लेकर प्रतापगढ़ जिले से इन फोर्सों को प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन से रवाना किया गया। रवानगी के पूर्व सभी होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इनके खाने पीने रहने के प्रबंध के बारे में इन्हें जानकारी दी गई, साथ ही साथ इन्हें रोडवेज बस से रवाना किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां सर्राफा व्यवसायी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने दर्ज किया FIR। अपर पुलिस अधीक्षक ने दिया मामले में जल्द कार्रवाई करने का आदेश। बता दें कि मानिकपुर इलाके के सरयू प्रसाद निषाद के साथ हुई लूट की घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि सर्राफा व्यवसायी सरयू प्रसाद से 20,000 रुपए की नगद और 2.5 से 3 लाख रुपए के सामान की लूट की घटना को देखकर बदमाश फरार हुए हैं, लेकिन FIR दर्ज कर लिया गया है और थानाध्यक्ष को घटना का जल्द खुलासा करने का आदेश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने शव को लिए कब्जे में भेजा पोस्टमार्टम के लिए। प्रभारी एसपी ने दिए मामले में जांच के आदेश। बता दें कढ़ई थाना क्षेत्र के सरोरपुर गांव निवासी गिरिजाशंकर यादव खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसकी पुत्री छाया यादव 18 वर्ष VA की छात्रा थी, हाई स्कूल परीक्षा में फेल हो गई थी। सोमवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी होने के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मामले में जांच की जा रही, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारपीट कर किया घायल, पैसे लूटने का भी आरोप। बता दें कि मामला नगर कोतवाली इलाके के नया माल गोदाम रोड का है, जहां खजूरी ग्राम सभा के रहने वाले आशीष त्रिपाठी को अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर घायल कर दिया और उसके पास रखे पैसे भी छीनकर फरार हो गए। इसकी शिकायत पीड़ित के पिता ने प्रतापगढ़ के आला अफसरों से की है। घायल आशीष त्रिपाठी के पिता रजनीकांत त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसका बेटा पैसा जमा करने के लिए बैंक जा रहा था, रास्ते में 2 लोग उसे जमकर मारे पीटे और उससे पैसे छीन लिए, गोली मारने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस के आला अफसरों ने गोली की घटना से इनकार किया है और मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निकाय चुनाव की। सबसे पहले प्रतापगढ़ सिटी सहित 4 नगर पंचायत काल का परिणाम। बता दें 13 मई को निकाय चुनाव में पड़े मतों की गिनती के दौरान सबसे पहले नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी, कटरा, मेदनीगंज, पट्टी और अंतु का परिणाम आएगा। इन नगर पंचायतों के वोटों की गिनती करने के लिए प्रशासन की ओर से 4-4 मतगणना टेबल बनाए जाएंगे। निकाय चुनाव के मतों की गिनती सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाएगी। बता दें जिले के 1 नगर पालिका और 18 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के लिए 4 मई कोटिंग कराई गई थी। मतगणना संपन्न होने के बाद अब प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुटा है। जिला मुख्यालय के 2 स्थल सहित कुल 6 स्थल मतों की गिनती करने के लिए चिन्हित किए गए हैं। मतगणना स्थलों पर 13 मई को होने वाले मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।